नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, अभी स्कूल बच्चों के लिए नहीं खुले हैं, लेकिन शिक्षक लगातार स्कूल जा रहे हैं। स्कूल जाकर शिक्षक अपने दैनिक क्रियाकलाप कर रहे हैं, जैसे शिक्षक डायरी बनाना, ई पाठशाला रजिस्टर बनाना, मोहल्ला पाठशाला का संचालन करना और ऑनलाइन बच्चों को कार्य भेजना। इसके साथ साथ अलग अलग स्कूलों में निरीक्षण भी किए जा रहे हैं। निरीक्षण के दौरान एक प्रधानाध्यापिकाएं अपनी शिक्षक डायरी नहीं दिखा पाई, इसको लेकर उप शिक्षा निदेशक बहुत नाराज हुए। आज की इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि आखिर कहां पर निरीक्षण किया गया उप शिक्षा निदेशक द्वारा और उन्होंने निरीक्षण के दौरान क्या बातें कही। साथियों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, अगर आप चाहते हैं इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको एक प्लेटफार्म पर मिले, तो उसके लिए मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो व्हाट्सएप ग्रुप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हुए हैं। आप चाहें तो मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। ग्रुप का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जिस पर क्लिक करके आप मेरे ग्रुप से जुड़ सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कहाँ निरीक्षण हुआ। ये निरीक्षण हुआ मऊ में। शिक्षक दैनंदिनी बनाए, शिक्षकों को अपनी डायरी बनाने के लिए कहा गया है। शिक्षक उक्त निर्देश उप शिक्षा निदेशक हरिशंकर साक्य ने नगर क्षेत्र के जूनियर हाई स्कूल निजामुद्दीनपुरा के शैक्षिक निरीक्षण और अनुश्रवण के दौरान शिक्षकों से कही। जो उप शिक्षा निदेशक हैं, उन्होंने निरीक्षण किया और निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा कि शैक्षिक दैनंदिनी जरूर बनाए शिक्षक। उन्होंने जूनियर हाई स्कूल निजामुद्दीनपुरा का निरीक्षण किया। बुधवार को डायट प्राचार्य उप शिक्षा निदेशक हरि सिंह साक्य ने प्रधानाध्यापिका से शिक्षक डायरी और मोहल्ला पाठशाला की शिक्षकवार कार्य योजना मांगी, जिस पर न होने की दशा में नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्य योजना और शिक्षक डायरी प्रतिदिन भरने के निर्देश दिए। साथ ही ई पाठशाला और प्रेरणा साथी के अधिक से अधिक चयन के लिए अभिभावक पाठशाला की शिक्षकवार कार्य योजना मांगी, जिस पर न होने की दशा में नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्य योजना और शिक्षक डायरी प्रतिदिन भरने के निर्देश दिए। साथ ही ई पाठशाला और प्रेरणा साथी के अधिक से अधिक चयन के लिए अभिभावक संपर्क के लिए भी निर्देशित किया। अनुसरण के दौरान शिक्षिका माधुरी सिंह से मिशन प्रेरणा में गणित और भाषा को लक्ष्य बनाने का कारण पूछा, जिसके उत्तर से संतुष्ट दिखे। अनुसरण के दौरान उपस्थित SRG अरविंद पांडे और ARP नगर को ऑनलाइन सपोर्ट के अतिरिक्त मोहल्ला पाठशाला के निरंतर अनुसरण के लिए कहा गया। तो साथियों, इस तरह के निरीक्षण हो रहे हैं जिसमें आपसे मोहल्ला पाठशाला के बारे में पूछा जा रहा है, तो इसलिए मोहल्ला पाठशाला भी अपनी शिक्षक डायरी में जरूर शामिल करें, अपनी शिक्षक डायरी बनाएं, जिससे कि निरीक्षण के दौरान आपको कोई दिक्कत ना हो। तो साथियों, आज की वीडियो में इतना ही। आपको यह वीडियो कैसी लगी? अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पर कमेंट्स करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।